वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तीनों चैप्टर, तीनों टॉपिक, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ओवरऑल ये सबको लेके हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। एक दो दिन हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपन आगे मूव करेंगे, आगे की तरफ कूच करेंगे उसके बाद। तो हियर आर दी सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर एओडी खत्म हो गया। अच्छा आईओडी का लास्ट टॉपिक यही था जो आपने पढ़ा, दो वेरिएबल वाले फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चंस फिर इसके बाद की प्रैक्टिस, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चालू करेगा। आप सीधा इंटीग्रल कैलकुलस आएगी आपकी, मेन वही है। इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करने के बाद हाथी निकल जाता है, हाथी की पूंछ बचती है, फिर आपको केवल 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और उसके बाद ये सिलेबस खत्म हो जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद ज्यादा दम नहीं है फिर सिलेबस में। मेन जो एक बड़ा पोर्शन है वो आपका अभी इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है। तो आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस यस के, मतलब स्टार्टिंग के जितने भी सर, जो स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल, एओडी सब के सब फर्स्ट टॉपिक्स है सब ना। सब 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 सब। देखिए मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है, 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 - x, वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। चार ऑप्शन है, क्या ये x + 5y = 2 आएगा, या फिर x - 5y = 2 आता है, या फिर ये 5x - y = 2 देगा आपको, या फिर ये 5x + y = 2 देगा। विच वन इज करेक्ट? कुछ रहना रे। तो ये एओडी में जो सबसे पहला चैप्टर टॉपिक था आपका, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस, जिसमें आपने टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, ओके संकेत तुक्कर करेक्ट है, जिसमें आपने टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पढ़े, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल पढ़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़ा। ये सबसे पहला एओडी का आपका चैप्टर था। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और लाइन निकालने के लिए दो ही बातें रिक्वायर्ड होती हैं, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट भी आपको इनडायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, और स्लोप भी आपको इनडायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, दोनों निकाल लो तो इजीली आ जाता है। समीर कामले करेक्ट।
सुशांत ठाकरे चेक करें। कल्पेश चौधरी करेक्ट, सुशांत ठाकरे करेक्ट हैं, दो आंसर दिया गया सुशांत ठाकरे। हाँ, गुरसिमर सिंह करेक्ट हैं, कल्पेश चौधरी करेक्ट, संकल्प रामटेके चेक करिए, गुरसिमर सिंह करेक्ट। ओके चलिए, सो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, निहाल कामले करेक्ट हैं, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, संकल्प रामटेके करेक्ट हैं। शांतनु मिश्रा एवरीवन में आंसर मत डालिए। इनकरेक्ट है शांतनु, चेक करो। सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, x प्लस 5y बराबर 2 आता है, और आपको बोला था कि आपको टेंजेंट वहां पे निकालनी है जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जहां पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां पे वाई जीरो होगा, तो वाई को जीरो डालोगे तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको मिलेगा 2,0। अब यदि आप 2,0 से सेटिस्फाई करें तो ये दो ऑप्शन तो आते ही नहीं है, ये तो दो सीधे सीधे हट जाते हैं क्योंकि ये 2,0 से सेटिस्फाई नहीं होता, तो केवल या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड ऑप्शन होगा, और उसमें भी अब आपको स्लोप निकालना ही पड़ेगा कर्व का, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए कर्व को इस पॉइंट पर, ये कर्व का डेरिवेटिव आप निकालिए 2,0 पर, तो जब आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्व आपको दिया है वाई इज इक्वल्स टू 2 - x / 1 + x² एंड वेन वी डिफरेंशिएट दिस dy/dx आप निकालोगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और अब आप इस dy/dx का वैल्यू एट x बराबर 2 निकाल दीजिए क्योंकि हमारा x पॉइंट जो है वो 2 है, तो x की जगह पर 2 डालेंगे तो ये -5 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और x की जगह 2 डालेंगे तो ये 25 आएगा, तो -1/5 आता है और -1/5 इसी का स्लोप है। पॉइंट और स्लोप जैसे ही मिला देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ तो किसी भी हालात में नहीं हो सकते हैं, आप इस तरीके से क्रॉस चेकिंग से जा सकते थे, तीसरा चौथा पहले ही हट जाता है, लेकिन आप दो बचे थे और इसलिए अपन को इसका स्लोप भी फाइंड करना पड़ा, चैप्टर एओडी है इसलिए डिफरेंशिएशन का यूज किया, डेरिवेटिव करके वी गेट दी स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसको 2,0 पर कैलकुलेट कर दिया। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन है, If x is real, then maximum value of तो आपको बताना है इसका maximum value क्या होगा, 3x² + 9x + 17 डिवाइडेड बाय 3x² + 9x + 7। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ये 17/7 आता है या फिर 7/17 आता है या फिर ये 1 आएगा या फिर ये
41 आएगा। Which one is correct? You have to find the maximum value of this. आपने इसको quadratic में भी पढ़ा था और ये maxima minima के concept से भी हो जाता है solve. अब आप इसको try करिए. Three x square plus 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। निहाल कामले रॉन्ग है, चेक करिए। ओहो, अंकेश लोनारे करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव भी करेक्ट है, वेरी गुड। तीन करेक्ट आंसर है और आई होप ये तीनों रामदास पेट ब्रांच से ही है। नहीं, ओम प्रकाश इंदौरा ब्रांच से। संकेत तुपकर चेक करो, रॉन्ग है। समीर कामले करेक्ट। ओके, चलिए लास्ट आंसर संकेत तुपकर है, रॉन्ग है। सो नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस, हाउ टू सॉल्व दिस। देख लीजिए आप उसको। देखिए, एक तो आपको मैंने तरीका क्वाड्रेटिक में बताया था कि इसको आप वाई से इक्वेट कर लो, फिर एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, फिर वो एक्स का फॉर्मूला मेथड से आप उसको सॉल्व करो तो आपको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आता है, और फिर उसके बाद एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये रेंज निकालने का एक्चुअल मेथड है किसी भी फंक्शन का। शांतनु मेश्राम करेक्ट है। सर आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो बोल रहे हो सर, वो उससे एक बार आप निकाल के दिखा सकते हो? एक्चुअली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में नहीं था ना, इसलिए। बहुत लेंथी कैलकुलेशन है उसकी, ठीक है। मैं यदि सॉल्व करूंगा तो मेरे को आधा घंटा उसमें लग जाएगा सॉल्व करने में। ओके सर, तो तुम ट्राई करो, मेरे को ग्रुप में भेज देना, जहां पे लगेगा मैं तुमको करेक्शन करके डाल दूंगा उसमें, ठीक है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ जो, हाँ थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा लगता है, फिर रूट निकालने पड़ेंगे। इसको वाई से इक्वेट करना है, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है फॉर्मूला मेथड से, और उसके बाद फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ वाई वेयर एक्स डिफाइंड। तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 1 से 41 के बीच में आता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आती है और मैक्सिमम वैल्यू 41 आती है, ठीक है। सो ये वहां पे क्वाड्रेटिक में इन सारे बच्चों को मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर,
इसलिए अपन क्वाड्रेटिक से नहीं जा रहे, अपन एओडी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। बाकी क्वाड्रेटिक से तुमने जो सॉल्व किया वो ग्रुप में डाल दो, जहां पर लगेगा मैं आपको फिर उसके करेक्शन करके उसके आगे की बात बता दूंगा। एक्चुअली मैं एओडी में था ना, तो मुझे एओडी वाला मेथड पता था, लेकिन जो आप बोले नया वाला क्वाड्रेटिक, वो मेरे क्वाड्रेटिक से भी होता है, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व होता है। तो ये चीज मैंने फंक्शन में भी बताई थी रेंज निकालते वक्त, और क्वाड्रेटिक जब पढ़ते हैं वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म का 11th क्लास में, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है, तो आप ट्राई करिएगा। मैं बताया इधर पहले इसको 22 के बराबर लिखो, फिर ये डिनोमिनेटर को y में मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला लगाना है, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, और उसके बाद जैसा आप फंक्शन का डोमेन निकालते थे बिल्कुल वही प्रोसीजर यूज करनी है, मतलब y की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर x डिफाइंड होगा। तो y की जो वैल्यूज आती हैं वो 1 से 41 के बीच में आएगी, बस इतना सा है कॉन्सेप्ट उसमें। Now we moving on to the its solution with the help of derivative. So ये हमारा function, हमने इसको y ले लिया मान लो, या f x ले लेते हैं, function of x। और अब ये जो main step इसमें था, ये 17 को मैंने 7 + 10 लिख दिया। अब इसके साथ जब आप denominator रखोगे तो 1 आएगा, और ये 10/3x² + 9x + 7 आएगा। वी हैव टू फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, तो एफ एक्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू -d/4a होता है, तो मैं इसका -d/4a कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब b² - 4ac / ये हो गया -d/4a। जब आप बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 4ac कैलकुलेट करेंगे तो 84, 4a कैलकुलेट करेंगे तो 12 आता है, तो ये 1/4 आता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1/4 आती है, वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। सो देयरफॉर f मैक्सिमम हो जाएगा 1 + 10/1/4 विच इज 41। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एओडी। मैंने को यहाँ पे डेरिवेटिव भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा फंक्शन यहाँ पे आके क्वाड्रेटिक बन गया था, और क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू मैं डायरेक्ट जानता हूँ या मिनिमम वैल्यू मैं डायरेक्ट जानता हूँ, तो मैंने उसका भी यूटिलाइजेशन कर लिया, कहीं पे एओडी भी यूज नहीं किया। एओडी के बिना भी आगे निकल गए अपन। आप एओडी का भी कंसेप्ट यूज करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, क्वाड्रेटिक वाला भी एक तरीका है, डेरिवेटिव वाला भी एक तरीका है, नोट कर लीजिए। कोई और आपको क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 41, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। देखिए क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स हैज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, f" (x) = 6 × x - 1, if its graph passes through the point 2, 1, and at that point the tangent to the graph is
y बराबर 3x माइनस 5, देन फंक्शन आपको बताना है क्या होगा. आपके ऑप्शन है क्या ये x माइनस 1, x प्लस 1 या फिर x प्लस 1 का स्क्वायर. कल्पेश चौधरी करेक्ट है. सिल्वी गुप्ता करेक्ट है. सुशांत ठाकरे करेक्ट है. समीर कामले करेक्ट. ओम प्रकाश यादव करेक्ट. सचित शेंडे करेक्ट. संकेत तुपकर करेक्ट. शांतनु मेश्राम चेक करें. संकल्प रामटेके करेक्ट. योजित करेक्ट. ओके चलिए, सो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन. देख लीजिए जिनका करेक्ट नहीं हो पाया या जिनको नहीं आ रहा है वो देख लीजिए. वैसे तो बहुत पंचेट सवाल था. इन चारों फंक्शन में केवल एक ही फंक्शन है जिसका जो डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव इतना आता है, और वो ये फंक्शन है. और किसी का सेकेंड डेरेवेटिव 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 नहीं आएगा. सो आई होप जिन बच्चों ने जल्दी आंसर किया वो केवल इसी अप्रोच से कर डाला है कि चारों को डिफरेंशिएट करके देख लो, दो बार केवल यही डेरिवेटिव देता है. सेकेंड ऑप्शन जो है उसका डबल डेरिवेटिव 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 आता है. तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली ऐसे निकाल सकते थे. बाकी इसका जो एक्चुअल अप्रोच है वो आप देख लें सॉल्यूशन में, कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम में सॉल्व करने आता है तो सॉल्यूशन का जो एक्चुअल वे है वो ये है कि ये फंक्शन हमको दिया है, इसको हमने बोथ साइड इंटीग्रेट किया है. तो x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से ये 6 कट गया. और जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है. अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए ही आपको ये बोला था कि 2,1 पे इस फंक्शन का जो टेंजेंट है वो ये लाइन है. मतलब आपको ये दिया है कि जो ग्राफ है फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ वो 2,1 से पास हो रहा है, और 2,1 पे ही जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन है 2,1 पे, वो आपको ये दे रखी है. मतलब 2,1 पे फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 है. और अपन जानते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही डिनोट करता है. तो मैं यदि
यहाँ पर x की जगह पर 2 डालूं, क्योंकि 2,1 पे स्लोप हमारे पास 3 है, तो f डैश 2 का जो वैल्यू है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, ये 3 बन जाएगा, और आपने x की जगह पर 2 डाला इस फंक्शन में, तो ये आता है 3 प्लस c, तो दिस एम्प्लाइज c का वैल्यू आता है 0. सो देयरफॉर इस तरीके से वी गेट अवर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन आपको दी जाती है. अब क्योंकि हमको फंक्शन फाइंड करना था, सो अगेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड. सो अगेन व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 का क्यूब बाई 3 आएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाओगे d. अब ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला था कि फंक्शन 2,1 से पास हो रहा है, मतलब f2 का वैल्यू 1 और x की जगह पर 2 डालोगे तो ये भी 1 आएगा. तो जब आप इसको 2,1 से सेटिस्फाई कराओगे तो d का वैल्यू 0 आ जाएगा. तो 2,1 से सेटिस्फाई कराने के बाद हियर वी गेट d 0, और जब आप d को 0 डाल देंगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू, ये है इसका एक्चुअल कंसेप्ट. इस तरीके से सॉल्व होता है ये दो बार इंटीग्रेट होके. बाकी क्वेश्चन बहुत ही पांचट था, चार ऑप्शन में से आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ऑप्शन पे इजीली टिक कर सकते थे, लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन नोट कर लीजिए. इस तरीके से हमको डबल डेरिवेटिव दिया था और फंक्शन फाइंड करना था, तो डबल डेरिवेटिव को दो बार इंटीग्रेट करोगे तो आप फंक्शन पे पहुंच पाओगे, और जब दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और इसलिए यहाँ पर ये दो कंडीशन दी थी, एक स्लोप वाली कंडीशन थी और एक बार कंडीशन थी कि फंक्शन 2,1 से पास हो रहा है. ठीक है, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा. कोई डाउट है आपको कैलकुलेशन में या सोल्यूशन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट कीजिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. सर डी जीरो के शायद ये फंक्शन है, और ये फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो ग्राफ है फंक्शन का वो किससे पास हो रहा है, 2,1 से, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 2 डालोगे तो y की जगह पर 1 आएगा. 2,1 का मतलब ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और fx मतलब y होता है. तो इसकी जगह पर 1 डालोगे और इसकी जगह पे 2 डालोगे, ठीक है, तो ये 1 और ये भी 1 आएगा, कट जाता है, तो d 0 आता है. समझ गए सिल्वी? यस सर. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका. पहली बात तो आपका ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन सही आना चाहिए बस, बाकी मेथड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेई में अक्सर अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो क्रॉस चेकिंग से नहीं हो पाते. 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए भाई मेथड आपको पहुंचना जरूरी है वहां पर. क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, चौथा पांचवा तीसरा या चौथा जो भी है, मैं चौथा ले रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. गैस बीइंग पंप्ड Gas being pumped into a spherical balloon into a spherical balloon at the rate of 30 feet cube per minute. इतनी रेट से गैस उसमें भरा जा रहा है बलून में. देन द रेट एट विच देन द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन इट रीच द वैल्यू ऑफ 15 फीट.
ऑप्शन है 1/30 pi, 1/15 pi, 1/20 pi नहीं दिया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। और लास्ट ऑप्शन है 1/25, यहाँ भी पाई नहीं दिया, पहले दो ऑप्शन में ही पाई है डिनोमिनेटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? संकेत तुक्कर करेक्ट है? तो बलून है, बलून में इतनी रेट से गैस भरा जा रहा है, आपको बताना है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस। जबकि रेडियस 15 फीट हो जाएगा आपका। एक आंसर करेक्ट है संकेत तुपकर फ्रॉम इंदौरा ब्रांच, क्वेश्चन लिखते ही इन्होंने आंसर किया और इसका सीधा मतलब है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं वो। नो सर, अभी सॉल्व किया। अच्छा, अभी किया क्या? चलो बहुत, फिर तो बधाई और ज्यादा, डबल बधाई। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, वेरी गुड। अभी किया तब तो और अच्छी बात। सुशांत ठाकरे करेक्ट है, तीन ऑप्शन मेरे को, तीन आंसर्स मिल गए, दो इंदौरा एक रामदास। समीर कामले करेक्ट है, तीन इंदौरा एक रामदास। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, तीन इंदौरा दो रामदास। शांतनु मेशराम करेक्ट है, तीन इंदौरा तीन रामदास। ओके, खत्म हो गया आपका समय, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, 4-3 से आगे इंदौरा। संकल्प रामपेके करेक्ट है, 5-3 से आगे इंदौरा। निहाल कामले करेक्ट है, रामदास पीठ 5-4। एनी बॉडी? योजित रॉन्ग है। और कोई बॉडी? चलिए, बाकी कोई बॉडी नहीं है। तो देखिए, ये जो आपको दिया है इतना सा था बस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आपको गिवन जो था वो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दिया था, डीबी बाय डीटी 30, और आपको रेडियस में रेट ऑफ चेंज निकालना था, ये कैलकुलेट करना है। और शुरुआत आप यहां से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r³, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इज 4 pi r² dr/dt। सब कुछ आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये 30 दिया था, ये 15 दिया था, और ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर दीजिए, देन यू गेट dr/dt का वैल्यू सीधा 1/30 pi आ जाएगा। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया।
तो गिवन क्या है, निकालना क्या है, ये सबसे पहले मेंशन कर लें और उससे आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे. तो दिस इज अगेन रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन था, जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की चैप्टर में ही आपने पढ़ा था. रेट ऑफ चेंज उस पर बेस क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन. तो आपने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, उस पर बेस क्वेश्चन हम अपन ले रहे हैं. तो क्वेश्चन है, द टू कर्व्स x cube minus 3xy square plus 2 equals to 0 and 3x square y minus y cube minus 2 equals to 0. पहला ऑप्शन है दे कट एट राइट एंगल्स. दूसरा ऑप्शन है दे टच ईच अदर cut an angle of pi by 3 or pi by 4. So which one is correct? Kariye isko try. संकेत तुपकर, समीर कामले करेक्ट. आप लोग जो आंसर किए हैं अभी वो अपना सॉल्यूशन तैयार रखें. आप में से जिनका भी करेक्ट हो रहा है उनसे मैं इसका सॉल्यूशन पूछने वाला हूँ. ठीक है,
ओके चलिए सो ओम प्रकाश यादव चेक करें और संकेत तुपकर फिलहाल आपको इसका रिस्पांस करेंगे। बताइए संकेत तुपकर। सर जब हम पहली कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा m1 आता है x square minus y square upon 2xy, और जब सेकंड को डिफरेंशिएट करते तो m2 आता है 2xy upon y square minus x square। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी जो रिजल्ट आते हैं माइनस वन होता है और tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्रीज देता है। ओके तो देख लो आप लोग इन्होंने जो बोला क्या वाकई ऐसा होता है। इनका कहना यह है कि जब आप इसका dy by dx निकालेंगे तो ये x square minus y square upon 2xy आता है, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx तो ये 2xy upon y square minus x square आता है, मतलब पहले वाले का reciprocal with minus sign, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होता है, इसलिए दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब दीज कर्व्स आर एट राइट एंगल, सो दे कट एट राइट एंगल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दोनों का डेरिवेटिव निकालिए और आप ये महसूस करेंगे कि जो दोनों का डेरिवेटिव है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल विथ अपोजिट साइन आ रहा है, और इसलिए m1 m2 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वन हो जाता है, and therefore the curve cut each other at 90 degree, right angle पे cut करते हैं। बाकी यदि मैं आपको जो actual method है अपना उससे यदि आप जाओ तो उसमें भी आपने यही करा है कि when we have to find angle between two curves, जब अपन को दो curve के बीच में angle निकालना होता था तो आपको यही सिखाया गया है कि इन दो कर्व के बीच में एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप इनका ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और इस पॉइंट पर दोनों कर्व की टेंजेंट का स्लोप बनाओ m1 और m2, और जब आपके पास m1 m2 आ जाता है तो फिर ये tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये अपन ने पूरा मेथड पढ़ा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसमें भी यदि m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस वन आ जाता है तो कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड इन दिस केस कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल कर्व। ये अपन ने एंगल बिटवीन टू कर्व्स के थ्योरी में पढ़ा था, तो यहां भी अपन को दो कर्व दिए हैं, और जब आप ये दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब यदि आप सबसे पहले उसका पॉइंट निकालने जाते हो तो आप इन दोनों कर्व की खासियत देखो कि ये दोनों कर्व जो हैं x बराबर y के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप x की जगह y और y की जगह पर x लिख दें तो पहले कर्व में x की जगह पर y लिखोगे और y की जगह पर x लिखोगे तो दूसरा कर्व आपको मिल जाएगा, मतलब इन कर्व में केवल ये फर्क है कि ये जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर x बराबर y होगा, और जब ये आप x बराबर y करेंगे इसमें तो फर्स्ट कर्व में y की जगह पर x डाल दीजिए, तो फर्स्ट कर्व में जब y की जगह पर आप x डालेंगे तो आपको x का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि y की जगह पर x डालोगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब सॉरी 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब ट्रांसफर होगा, 2-2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाता है, तो x का वैल्यू 1 आएगा, मतलब इनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P जब आप निकालोगे तो P इसका 1,1 आता है। ये दोनों कर्व एक दूसरे को 1-1 पे इंटरसेक्ट करते हैं,
ठीक है, और आप चाहो तो डाल के देख लो, x की जगह 1 और y की जगह पर 1, दोनों कर्व सेटिस्फाई हो जाते हैं. तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1, 1. जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमने पॉइंट P निकाल लिया, और अब जैसा आपको संकेत सुप्तर ने बोला है कि आप जब पहले कर्व का डी वाई वाई डी एक्स निकालोगे 1, 1 पे, तो जो डी वाई वाई डी एक्स है फर्स्ट कर्व के लिए 1, 1 पे, जिसको अपन M1 बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो जीरो आ जाएगा. और सेकेंड कर्व का जब आप डेरिवेटिव 1, 1 पे निकालेंगे, जिसको अपन M2 से डिनोट करेंगे, तो वो आप देखोगे कि वो इन्फिनिटी आता है. और जब एक टेंजेंट का स्लोप जीरो और दूसरे का इन्फिनिटी हो, तो इसका मतलब है कि कर्व एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे. क्योंकि आप जानते हैं एक पर्टिकुलर केस है, M1 M2 तो -1 है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन उसमें भी यदि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो एक का स्लोप जीरो दूसरे का नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो जब भी आपको जीरो और इन्फिनिटी मिलता है, तो उस केस में दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो दिस इज दी एक्चुअल अप्रोच. बाकी आप यदि ये सब पॉइंट वॉइंट नहीं निकालें, केवल सीधा सीधा डी वाई वाई डी एक्स निकालें, तो उससे भी आप देख सकते हो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, तो नोट कर लीजिए. कोई और आपकी क्वेरी है, डाउट है इससे रिलेटेड, तो पूछ लीजिए. ये अपन का आज का लास्ट सम था, कुछ और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में. ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट लें. बाकी मिलेंगे अगली क्लास में. गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल. ध्यान रखें अपना. पॉइंट ढूंढेंगे अपन. क्या बोले बेटा? सर आपने बोले ना कि दोनों का जब इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ढूंढेंगे. हाँ, तो सर वो ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तुम क्या सो रहे थे? यही तो बताया, ये सब साइड में क्या बताया, ये निकाला है 0.1, 1. जब बता रहा था तब नींद लगी थी क्या? नहीं नहीं, तो वही तो बता रहा था जब से, और क्या कहानी थोड़ी बता रहा. 1, 1 पॉइंट निकाल के तो बताया, वही मेथड से तो बताया मैंने. ठीक है सचिन संडे. हाँ सर, चलो ठीक, ओके बाय. सर सर संडे टेस्ट में क्या आ रहा? सर संडे क्या बोले बेटा? संडे टेस्ट में क्या आ रहा? संडे का जो टेस्ट है 12th का चैप्टर है क्या उसमें? अभी 11th पे हुआ था, 12th पे हुआ था? 12th पे हुआ था. अभी 12th पे हुआ था. ओके, तो 11th मतलब 11th हुआ था, बट सर 12th का बताए थे सर आपने. समझ नहीं सर, मतलब क्वाड्रेटिक पे टेस्ट था सर, बट सर AOD पे टेस्ट आया. अच्छा, ऐसा हो गया क्या? हाँ सर. बाप रे, कुछ भी गड़बड़ चल रहा है भाई. तो सारे सब्जेक्ट का 12th पे आया था क्या तुम्हारा? नहीं सर, सिर्फ मैथ्स का. केवल मैथ्स का 12th पे आ गया था. अच्छा, चलिए ठीक. और अभी सब सब्जेक्ट का आपका किस पे? 11th पे है, सॉरी 12th पे है. सर केमिस्ट्री का 12th पे, फिजिक्स का 11th पे. हाँ, तो मैथ्स का भी 11th पे कर लो, क्वाड्रेटिक ही दे देंगे इस बार. ठीक है, जो आपने तैयारी करी वो अब की बार काम में आ जाएगी. ठीक. हाँ सर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी मिलेंगे कल. धन्यवाद.